नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ रिपोर्ट। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, इसको रोटी कहते हैं, रोटी, इसको रोटी कहा जाता है। जो आज बिहार का एक एक मजदूर, एक एक लोग अगर बिहार से बाहर गए हैं कमाने कहीं, तो अपने परिवार को छोड़कर परिवार के लिए इस रोटी के लिए गए हैं। और इस रोटी की कीमत आप नहीं जान पाइएगा नीतीश कुमार जी, इस रोटी की कीमत आप नहीं जान पाइएगा, क्योंकि अगर आप इस रोटी की कीमत जान रहे होते तो आज हमारे बिहारी भाई बिहार से बाहर बिहार आने के लिए मर नहीं रहे होते, गाली नहीं खा रहे होते, मार नहीं खा रहे होते। इस रोटी की कीमत आपको नहीं पता है। आपको पता है इस रोटी की कीमत? इस रोटी की कीमत यह है कि यह रोटी एक गरीब को अपने परिवार से अलग करके प्रदेश भेज देता है, एक बाप को अपने बेटे से अलग करके प्रदेश भेज देता है, एक पति को अपने पत्नी से अलग करके प्रदेश भेज देता है, एक बेटे को अपनी बूढ़ी मां से अलग करके प्रदेश भेज देता है। और वो प्रदेश क्यों जाता है? वो प्रदेश सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि उसको थोड़ा दो पैसे मिल जाए और पैसे से ये मिल जाए, ये इसकी कीमत, इसकी कीमत नीतीश कुमार जी, मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं, ये जो रोटी है इस पे हक है कि नहीं एक गरीबों का? अगर 15 साल पिछले वाला का जंगल राज था तो आपका 15 साल सुशासन में क्या फर्क पड़ गया? जब इतने हमारे भाई जो मजदूर कहीं पिटा रहे हैं, मार खा रहे हैं, गाली खा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है इससे? मैं आज इस रोटी की कीमत आपसे पूछना चाहता हूं। यही रोटी है ना, यही रोटी है ना नीतीश कुमार जी, यही रोटी है ना? आपसे मैं जवाब पूछना चाहता हूं। आप अपने आप को सुशासन सुशासन कहते हैं, तो सुशासन सरकार में एक एक गरीब मजदूर बिहार से बाहर जाने को क्यों मजबूर है? जब 15 साल जंगल रास्ता, ठीक है जंगल रास्ता, रोजगार नहीं मिला, तो आपके इस 15 साल में रोजगार मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? आप तो रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार देंगे कहकर सरकार के सत्ता में आए थे, बिहार के सरकार के सत्ता में आए थे, आप मुख्यमंत्री बने थे, आप झूठ मूठ का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, 5 बार, 6 बार, 7 बार मुख्यमंत्री, और हम गरीबों का क्या होगा? हम गरीबों का क्या होगा? इस गरीब के मजबूरी को आप नहीं समझ पा रहे हैं। एक एक मजदूर इस रोटी की कीमत के लिए आज अपने परिवार को छोड़कर बिहार से बाहर जाके काम करने को मजबूर है, लोगों को गालियां सुनने को मजबूर है, एक रोटी की कीमत के लिए, इस भूख के लिए। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, और आपको तब समझ में आएगा जब बिहार का एक एक नौजवान, एक एक किसान, एक एक मजदूर, एक एक दाबा कुचला गरीब गुरबा आपको आपकी अवकाश दिखाएगा, तब जाकर आपका दिमाग खुलेगा, और उस समय बहुत लेट हो गया रहेगा। हम बिहारी नौजवानों को क्या चाहिए? पैसा मांगने जा रहे हैं आपसे? हमें रोजगार दीजिए, हमारे हाथों में उतना ताकत है, हमारे हाथों में उतना ताकत है, हमारी मजदूर का हाथ है, मजदूर का हाथ है, उसमें इतना ताकत है, इसके खून में इतना गर्मी है मजदूर के, कि हम कुदाल चला करके किसी का काम करके, किसी कंपनी में काम करके हम अपना कमा सकते हैं। अगर दूसरे किसी के कंपनी में काम करके उस कंपनी मालिक को अरबपति बना सकते हैं, तो क्या बिहार के किसी को अरबपति नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। अब बिहार में रोजगार तो शुरू करो, अब बिहार में कारखाना तो लगाओ, बंद चीनी मिल को तो चालू करो। चीनी मिल के मजदूर मरते जा रहे हैं, आत्महत्या करते जा रहे हैं, लोग जल के मरने पर मजबूर है, लेकिन आपकी बुद्धि नहीं खुल रही है। आप अपने सत्ता के लोभ में इतने अंधे हो गए हैं, इतने अंधे हो गए हैं कि नौजवानों का दुर्दशा आपसे नहीं देखा जा रहा है।